प्रधानमंत्री तो छोड़िए, ये विधायक इस बार बन गया ना, तो फिर बताना मुझे विधायक की औकात नहीं इसकी। मुख्यमंत्री और वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं एलआईज के साथ, और वो ऐसी भाषा काम में ले रहा है। नीतीश कुमार एक ठरकी मुख्यमंत्री है, सनकी है, तो ये तो बेशरम है मुख्यमंत्री, इसे अपने भारत की परंपरा नहीं पता है। ऐसे लग रहे थे वो सेक्स की क्लास ले रहे हैं और उस क्लास के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो नीतीश कुमार स्कूलों में पढ़ा जाए तो ओयो खोल लो ना विधानसभा में, बियर बार खोल लो। आप इस लैंग्वेज को जबान पिछला नहीं कह सकते। किसी महिला को मत भेजना उसके पास। वो कामसूत्र की कोई किताब होती है ना, वो पढ़ के आ गए थे शायद वहाँ। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार को पूरे बिहार के लोग जूते की माला पहनाओ। एकदम से झटके से उनको माफी नहीं मांगनी थी, इस्तीफा देना था। सदन में नेताजी का भाषण और भाषण के बीच में जुबान फिसली। भैया तमाम महिलाओं को जो है वो शर्मसार कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार का बयान सुना? बिल्कुल सुना मैं। कैसा लगा? मतलब वो महिलाओं के लिए जो टिप्पणी, जो सेक्स एजुकेशन वो दे रहे हैं सदन के अंदर, कैसी लगी? बहुत ही अभद्र लगी। ऐसे लग रहे थे वो सेक्स की क्लास ले रहे हैं और उस क्लास के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस सेक्स की एक मुख्यमंत्री ना हो करके वो कामसूत्र की कोई किताब होती है ना, वो पढ़ के आ गए थे शायद वहाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बोला है, क्या गलत बोला है मुख्यमंत्री? देखिए गलत बोला है, पर जो चीज़ें उन्होंने बोली है ना वो एक सामाजिक तौर पर नहीं बोली जाती। जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग करा कि आप ऐसे करो और उसके बाद में वो बाहर निकाल दो, ये इस तरह की भाषाएं नहीं होती। संविधान आपका एक मंदिर टाइप का है, बिहार का वो मंदिर है, और उस मंदिर की उसने गरिमा भंग करी है उन्होंने नीतीश कुमार को। और इंडियन अलायंस का काम ही यही है, उनकी जवान हर समय फिसलती रहती है। और एक महिलाओं को बोलने के बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी माफ़ी और विधानसभा में भी माफ़ी मांगी। पर बोला कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे बात करी, उन्होंने बोला कि आजकल की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो इस तरीके से बोल देती हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, क्या पढ़ी लिखी महिलाएं, ये उन्होंने मतलब एक तंज कसा है? उन्होंने क्या महिलाओं की बेइज्जती करी? बिल्कुल उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती करी है, और इस तरह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूरे महिला समाज को अपमानित करने का काम करा है कि आप क्या बोलना चाहिए, आपको एक मुख्यमंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको अपनी जवान पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आप में माफ़ी मांग ले, मैं मतलब आप किसी पे एक झापड़ मार दो, किसी का सर फोड़ दो और उसके बाद में माफ़ी मांगने लग जाओ, तो ये बिल्कुल असहनीय है। ऐसा करने से जो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गाली दे दो और उसके बाद में माफ़ी मांग लो, तो ये महिलाओं का अपमान है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने योग्य। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात बोली है कि शर्म नहीं आ रही है, अगर बात कराएं नीतीश कुमार को। मैम सबसे पहले आपका प्रश्न ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ। आपने जबान पिछलना शब्द काम में लिया ना। हाँ। आप इस लैंग्वेज को जबान पिछलना नहीं कह सकते। हाँ। ये अपने आप में एक क्रूर। हाँ। विपक्ष बोल रहा है जबान पिछलना गलत है ना। मैं ये कह रहा हूँ और कौन बोल रहे हैं, आप मत बोलो ना जबान पिछलना। ये एक सोची समझी चाल है, एक धृतराष्ट्र पार्टी, मैं कांग्रेस को दृष्टांत पार्टी उसका एलाई है। जैसा दृष्टांत की राज में महिलाओं का सम्मान होता था, वही 26 जिलों में महिलाओं का सम्मान है। इनके पास ना महिलाओं की सम्मान की कोई बात है, ना कोई इनकी महिलाओं की सम्मान बात करना है। मैं ये कह रहा हूँ जो बयान उन्होंने सदम बोला, मैं कहता हूँ एक मजदूर आदमी जो गाँव देहात का कहीं भी रहता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, अंगूठा टेक आदमी है, वो शब्द काम में नहीं ले सकता। आप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब आप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऐसी भाषाएं काम में ले रहे हो। डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, वो भी एक बंद कमरे में पढ़ाते हैं, उनका अपना सिस्टम है, पढ़ाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन एक मुख्यमंत्री और वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं एलआईज के साथ, और वो ऐसी भाषा काम में ले रहा है, इससे ज़्यादा शर्मसार हो। इनके अंदर तमाम महिलाएं भी बैठी हुई थी। नहीं उनको महिलाओं का सम्मान आता ही नहीं ना, मतलब इनके सम्मान आप एक बार बताओ, इनके 26 जिले एक नेता का मेरे को नाम बता दिए जो महिला का कहीं भी सम्मान करता हो। मैं आपके 10 के बयान अलग अलग बता दूं, हो सकता है आपने वो नहीं पढ़े सुने होंगे। सबने कुछ कहा, कभी मुलायम सिंह कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, कभी ये आपके लालू यादव जी जर्सी गाय बताते हैं,
तो इनके एक बात कहेंगे आप 26 दिनों की सबके पास ऐसे ही बता सकते हैं ना, उनके 9 बच्चे हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है। यही तो बात नीतीश कुमार ने बोली कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ये बात बोलती हैं कि बाहर कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ एक बात बताओ, आप जनसंख्या वृद्धि को पढ़े लिखे से क्या संबंध है? मैं 83 का BSc फर्स्ट क्लास हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, इससे मतलब बच्चा पैदा करने से और पढ़ने से शिक्षा का क्या संबंध है? आपकी इच्छा बच्चे पढ़ोगे, हाँ बच्चे आप यदि पैदा नहीं कर सकते, उनका पालन लालन पालन अच्छा नहीं कर सकते, आपको बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। यदि आपने बच्चे 10 पैदा कर लिया, 10 को सक्सेस कर दिया, तो आप कहीं भी ना जमीन पे बोझ है, ना देश पे बोझ है, ना अपने आप पे बोझ है। और यदि आपने एक बच्चे का भी अच्छे से लालन पालन नहीं किया और एक भी पैदा कर दिया, तो वो आपके बच्चा पैदा करना ही बेकार है, तो उसका शिक्षा से क्या लेना देना है? लालू यादव जी ने बच्चे 8-9 पैदा किए, सबको सेट किया ना उन्होंने, तो उनके लिए आप ये कैसे कह सकते हैं? वो अपने एक सामाजिक दायित्व तो उन्होंने पूरा किया, अब राजनीति दृष्टि से उनको क्या कहें वो एक अलग चीज होती है। तो आप इसको समाज के पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बयान देता है, मूर्ख आदमी नहीं देता। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी को इस विषय पे तुरंत प्रभाव से एकदम से झटके से उनको माफी नहीं मांगनी थी, इस्तीफा देना था। और भाई मेरे से गलती हो गई या इस्तीफा संभाल ले, जो संसद चलाए वो चलाए, जो आदमी विधानसभा चलाना चाहता साथ में है। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? मैम मैं वो हमें हम पढ़े लिखे महिला को कह रहे हैं, वो मुसलमान महिला को क्यों नहीं कहती? क्यों नहीं कहते जो इतने रोज के 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं और 10-10 शादियां करते हैं, उनको बोलो ना, उनको क्यों नहीं बोलती? हिंदू लेडीज के ज्यादातर हिंदू लेडीज के जहाँ चले जाओ उसके 1 या 2 बच्चे मिलेंगे, तो क्या 2 बच्चे पैदा करना कोई अधिकार नहीं है? मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तीसरा मेरा नहीं है। और फैमिली में कहीं भी चले जाओ, मैं मैरिज ब्यूरो का काम करती हूँ, सबके तकरीबन आपको 2-2 बच्चे मिलेंगे हिंदू महिला के। तो आप क्या कहेंगे अगर बात की जाए नीतीश कुमार के बयान के ऊपर? सुना होगा बयान? बिल्कुल बयान मैंने सुना है, बयान सुन चुका हूँ। मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार एक ठरकी मुख्यमंत्री है, सनकी है, उसको किसी महिला को मत भेजना उसके पास, नहीं दिया कुछ भी कर सकता भाई। इसके जो दिमाग का कुछ पता नहीं, गांजे के नशे में धुत्त रहता है रात दिन, इसे कुछ नहीं पता कि ये खड़ा कहाँ है। बताओ ये विधानसभा में ऐसे बोल रहा है, कुछ दिन पहले रावड़ी देवी को बोला था कि इतने इतने बच्चे पैदा करती है, 2 बच्चे की मुंह में कितने बच्चे, तो ये तो बेशरम है मुख्यमंत्री। इसे अपने भारत की परंपरा नहीं पता है कि हिंदुस्तान की परंपरा क्या है, बिहार की परंपरा क्या है? ये इस समय नशे में धुत्त चल रहा है मैडम जी, इसे रिजाइन दे के माफी मांगना चाहिए और दोबारा इसे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री के सपने भी तो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, ये विधायक इस बार बन गया ना, तो फिर बताना मुझे विधायक की औकात नहीं इसकी, मुख्यमंत्री से जिसने बनाया ना, मैं कह रहा हूँ शर्म की बात है, ये मुख्यमंत्री है, रोड छाप नेता ये। तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है नीतीश कुमार का कि गलत नहीं बोला है उन्होंने, लोगों को स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सेक्स एजुकेशन दी जाती है, नीतीश कुमार ने बोल दिया तो क्या गलत? अच्छा तो नीतीश कुमार स्कूलों में पढ़ाया जाए तो ओयो खोल लो ना विधानसभा में, बियर बार खोल लो। और ये तेजस्वी बता रहा है, ये इंफोटेक्चर को इंफोटेक्टर बोलता है, 8वीं फेल, ये बताएगा क्या सही है क्या नहीं, पहले अपनी भाषा ये सुधारे। जब इसकी माँ को रावड़ी देवी को नीतीश कुमार ने बोला था कि ये बच्चे पैदा करने की मशीन है, तब तेजस्वी यादव का क्या बयान था पता है? जब इसकी माँ पे बयान आया था तब तो ये तिलमिला गया था, आज पूरे भारत की महिलाओं के ऊपर बयान दिया है तो इसे शर्म नहीं आ रही तेजस्वी को? इसे ना मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार को पूरे बिहार के लोग जूते की माला पहनाओ, ऐसे बेशर्मों को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही है ना, मतलब आप समझो, आपका दोस्त पत्रकार का दोस्त कोई अच्छा पत्रकार ही होगा ना, तो वो तो ऐसे ही आदमी है, तो उनका कोई दोस्त नहीं है इसमें, तेजस्वी वगैरह का इसमें दोस्त नहीं है, क्योंकि जैसी संगत है वैसी साथी रहेंगे आपके, ये समझने की कोशिश करो आप। तो उनके दिमाग भी वैसे ही सेट है, उनका माइंड सेटअप ऐसा ही है, महिलाओं का सम्मान कहाँ है उनके पास? वो तो कितनी बार बयान दे चुके हैं, ठीक है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, वायरल नहीं होते थे, बाकी कितनी बार मैं आपको अखबार की कटिंग्स ला के दे दूंगा उनके नेताओं के। नहीं सुरक्षित नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे लोगों के पास कभी बाइट लेने चले भी मत जाना, मैं आपको कभी बाइट लेने चले भी मत जाना। ये तो हमें ही डरा रहे हैं भैया कि बाइट लेने, बहन मेरी बहन है तू, कल को कोई बात बहन के साथ हो जाए भाई के साथ क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ ऐसे लोगों के पास नहीं जाना कभी भी, और कम से कम शाम को 7 बजे बाद तो बिल्कुल भी नहीं जाना, कभी यदि इंटरव्यू लेना पड़े दिन में जाओ, मेरा ऐसा आपको सजेशन है, मैं गलत नहीं कह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नीतीश कुमार का बयान और उसके बाद लगातार
जो है हलचल मची हुई है तमाम महिलाओं के मन में जो है वो अगर गुस्सा देखने को जो है वो मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरीके से एक विवादित बयान जो है वो सामने आया है वो बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।